नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न आपके साथ, मैं हूं विकास कौशिक। ये खास सीरीज है, हमारा प्रयास उन लोगों के काम को सम्मान और पहचान देने का जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लिखी है कामयाबी की एक खास कहानी। कहते हैं ना, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। आज की हमारी पहली कहानी जमीन से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हाजी कमरुद्दीन की कहानी है। कभी सिर्फ 500 रुपए की नौकरी करने वाले हाजी कमरुद्दीन सर्वोकॉन कंपनी के मालिक हैं। नेक नियत से बनाई गई उनकी कंपनी सर्वोकॉन सिस्टम्स के स्टेबलाइजर, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के बाजारों तक पहुंच रहे हैं और इस कंपनी का सालाना टर्नओवर आज 100 करोड़ से ज्यादा का है। आइए आपको दिखाते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान जो हम सबके लिए प्रेरणा। जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त सिर्फ 2-3 लोगों से हमने ये काम स्टार्ट किया है और 95 में ये सर्वोकॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद सफर और आगे चलता रहा तो 2005 में ये सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड का ये रूप हुआ और आज ये सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड चल रहा है। ये सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना था नहीं। 500 रुपए की नौकरी से शुरू करने वाला हर शख्स इतना बड़ा अंपायर खड़ा नहीं कर पाता। इसके लिए चाहिए होता है गजब का आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा और कुछ कर गुजरने की चाह। यूपी से और इया से रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आए। यहाँ आके आने के बाद हमने यहाँ 500 रुपए में अपनी नौकरी स्टार्ट की। 500 रुपए की नौकरी इसी फील्ड के अंदर की जहाँ भी ये स्टेबलाइजर्स वगैरह बनते थे। तो वहाँ से बस कुदरत को जो मंजूर होता है वहाँ नौकरी के साथ साथ फिर धीरे धीरे अपना हमने काम शुरू किया। फिर जॉब वर्क स्टार्ट किया तो जॉब वर्क करते करते फिर छोटा रॉ मटेरियल बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे और आगे काम बढ़ा तो फिर कंप्लीट पीस बनाने लगे। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते चले गए और आप बढ़ते हुए आज ऊपर वाले करम है कि हम लोग एक्सपोर्ट भी काफ़ी कर रहे हैं। 10x10 के एक कमरे से अपना काम शुरू किया हुआ है। 3-4 लोगों से मिलकर काम शुरू किया था। फिर 50 गज के उसमें गए, फिर 1000 गज में गए। आज हम लोग करीब करीब 7-8 हज़ार गज में फैक्ट्री अभी चल रही है। हाजी साहब हर काम बड़ी सोच समझ कर करते हैं, फिर चाहे अपने ब्रांड का नाम चुनने की बात हो उसके पीछे भी वजह बता रहे हैं खुद हाजी कमरुद्दीन साहब। क्योंकि सर्वो स्टेबलाइजर एक प्रोडक्ट है, जो सर्वो स्टेबलाइजर है वोल्टेज को कंट्रोल करता है। आपके यहाँ वोल्टेज कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, उसको हमेशा कंट्रोल करके आपको 230 या 400 वोल्टेज को रखता है। तो चूँकि वोल्टेज को कंट्रोल करता है और सर्वो इसका नाम था इसलिए हमने इसको जोड़ के सर्वोकॉन कर दिया है कि सर्वो कंट्रोल से रिलेटेड हो गया जाके। आज सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड का प्रोडक्ट पूरे यूपी में सप्लाई होता है, ब्लॉक स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यूपी में लगभग 2000 लोगों का नेटवर्क है जो सर्वोकॉन का प्रोडक्ट हर शहर हर कस्बे में पहुंचाते हैं। इनका मकसद सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि गांव देहात तक सुविधा मुहैया करवाना है। इनका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत होती है। फिर चाहे एक दुकान हो, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल या फिर कोई इंडस्ट्री, और यही बनाता है इस ब्रांड को इंडिया की पहली पसंद। आज सर्वोकॉन का ब्रांड इंडिया में नंबर 1 ब्रांड है और शक्ति कपूर जी जैसे भी आप देखते होंगे टीवी पे भी मैक्सिमम वो एड जो हमारी कर रहे हैं तो नंबर 1 है। हम लोग क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज और कैपेसिटी वाइज भी बना रहे हैं। अभी हमारे पास 5000 kV तक अभी हम सर्वो स्टेबलाइजर बना रहे हैं। हाजी साहब ने बड़ी सोच समझ कर इस कारोबार में कदम रखा था। वो बिजनेस की नब्ज पकड़ना जानते हैं, तभी तो उन्होंने ऐसे उद्यम पर निवेश किया जो हर किसी की जरूरत है। घर में, कोठी में, होटल में, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी आपने वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो आपको सर्वोकॉन लगाना पड़ेगा। तो मेन लाइन पे जब आप सर्वोकॉन लगा देते हैं तो पूरे घर के अंदर या फैक्ट्री में हमेशा आपको 400 वोल्टेज मिलती रहेगी या घरों में हमेशा 220 वोल्टेज आती रहेगी। हाजी कमरुद्दीन इस बिजनेस में अकेले नहीं है, उनके दोनों बेटे और उनके भाई भी कारोबार में उनका साथ दे रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में, अब हम 100 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, 100 करोड़ से ऊपर हैं, तो हम आगे 5 साल में 500 करोड़ से ऊपर सोचने का पूरी पूरी जान लगा रहे हैं कि हम 500 करोड़ से ऊपर इस कंपनी को लेके जाएं अगले 5 साल। कंपनी का अगला टारगेट अब अपने बिजनेस को विस्तार देना है, जिसके लिए नोएडा में फैक्ट्री बनाने के लिए प्लॉट आवंटित हुआ है। अब यहाँ बना प्रोडक्ट विदेशों में एक्सपोर्ट करने की तैयारी है। 16000 kV तक ट्रांसफार्मर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिए हैं और अभी फर्दर टारगेट हमारा 25000 kVA का बनाने का है।
पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी कमरुद्दीन के जज्बे और हुनर को देखते हुए एबीपी गंगा ने उन्हें उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न चुना है। तो आपने देखा कैसे हाजी कमरुद्दीन ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। अब कहानी एक ऐसे परिवार की जो पिछले 100 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का जीवन बदल रहा है। इस परिवार का बनाया कंप्यूटर सेंटर देखते ही देखते प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की एक नामी डीम्ड यूनिवर्सिटी शोभित यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। वो शोभित यूनिवर्सिटी जिसकी गिनती आज देश की टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बिजनेस स्कूल्स में की जाती है। विविध आयामों वाली शिक्षा देने वाली शोभित यूनिवर्सिटी प्रदेश की तरक्की में अपना एक खास मुकाम रखती है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकता और विज्ञान के संगम के साथ शोभित यूनिवर्सिटी ला रही है क्रांति। देश की टॉप 27 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में से एक, देश के टॉप 12 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में शुमार, 50 बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स में गिनती, जो सिर्फ शिक्षा का मंदिर नहीं है, है हजारों छात्रों का परिवार। उस परिवार का नाम है शोभित डीम्ड यूनिवर्सिटी। देश में 126 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उनमें से एक नाम है जो लाया है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, वो है शोभित यूनिवर्सिटी। अब तक कई कीर्तिमान रचने वाला शोभित विश्वविद्यालय आज हर तरह की विशिष्ट शिक्षा का गढ़ बन गया है। इस यूनिवर्सिटी को यहाँ तक पहुँचाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो है यूनिवर्सिटी के माननीय संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री शोभित कुमार जी। शोभित कुमार जी के छोटे भाई कुंवर शेखर विजेंद्र इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं। एक कंप्यूटर सेंटर से शुरुआत हुई इसी मेरठ में, एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर एक रेंटेड बिल्डिंग के अंदर जहाँ हम ही सब कुछ थे, वहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर एजुकेशन की ज़रूरत थी। फिर 1995 में एक बिजनेस स्कूल जो क्षेत्र का पहला ही बिजनेस स्कूल था वो खुला। 2000 में इंजीनियरिंग कॉलेज बना। 2006 में भारत सरकार ने हमें मान्यता दी सम विश्वविद्यालय के तौर पर। शायद वी वर वन ऑफ द यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन जिसे 6 साल के अंदर उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। 100 साल से कुमार शेखर विजेंद्र का परिवार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है और समाज के शैक्षणिक विकास में बड़ा योगदान कर रहा है। आज शोभित यूनिवर्सिटी पश्चिम यूपी का सबसे भरोसेमंद नाम है। ये भरोसा इसलिए मिला क्योंकि यूनिवर्सिटी का मूल मकसद हर तबके के छात्रों को शिक्षा के पर से उड़ने के काबिल बनाना है। एक बात जो इस यूनिवर्सिटी को बाकियों से अलग बनाती है वो है हर तरह के कोर्स का आधुनिकता से समन्वय। पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने की वजह से कुछ विषय जिन पे हमें बहुत कार्य करना चाहिए, सबसे पहला था उसमें एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेल्ट हम इसे कहते हैं, मेरठ एग्रीकल्चर बेल्ट है, ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश। लेकिन एग्रीकल्चर का मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन कैसे हो, तो एक एरिया जो हमने आइडेंटिफाई किया जिस पे शोभित विश्वविद्यालय काम कर रहा है एकेडमिकली भी रिसर्च में भी, वो है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स। दूसरा एरिया हमने लिया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो एक डिपार्टमेंट है वो सिर्फ IIT दिल्ली में था उस टाइम, सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आसपास कहीं भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे कोई कार्य नहीं हो रहा था, तो हमारे यहाँ शोभित विश्वविद्यालय में हमने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे काम करना शुरू करा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, एजुकेशन, बेसिक एंड अप्लाइड साइंस। इस तरह से शोभित विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट मिलाकर करीब 30 कोर्सेज हैं। शोभित यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज के जरिए 3 बातों को जमीन पर उतार रहा है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज और तीसरा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। शिक्षा का एक और आयाम है जिसमें ये यूनिवर्सिटी अव्वल है और वो है आध्यात्मिकता। रुद्राक्ष पे एक रिसर्च सेंटर है मेरे यहाँ, करीब जो है 40 रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल पब्लिश हुए हैं यहाँ से। एक PhD यहाँ से निकली है रुद्राक्ष पे, जिसमें हमने ये प्रूव किया है कि रुद्राक्ष का बहुत बड़ा साइंटिफिक यूज़ है। जो बातें आपने और हमने सुनी थी कभी या सुनते हैं अपने घरों में, उसे साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें सिर्फ रुद्राक्ष पर नहीं है, एक कल्पतरु आपने नाम सुना होगा, एक कल्पतरु भी है इस कैंपस में।
शिक्षा कभी भी कारोबार का जरिया नहीं हो सकती, ये बात शोभित यूनिवर्सिटी ने साबित करके दिखाई है। डिजर्व, डिजायर और ड्रीम करने वालों के लिए इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, चाहे वो एक गरीब का बेटा ही क्यों ना हो। मैंने ही बोला था वैसे तो कि भाई स्कूल में साहब फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप पढ़ ले। तो मैंने साहब से बात करी तो साहब ने कह दिया ठीक है आप जो है इसको कराओ। कॉलेज की तरफ से मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड हुई। 2015 में बीटेक पास आउट हुआ और उसके बाद इसी साल जुलाई को 22 जुलाई को मैंने इंफोसिस ज्वाइन की। ये सिर्फ एक सचिन की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे ही हजारों बच्चों के सपने हैं जो शोभित यूनिवर्सिटी के प्रांगण में पनपते और पूरे होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए शोभित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कुंवर शेखर को एबीपी गंगा ने उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न के लिए चुना है। लखनऊ के ड्रीम वाटर रिजॉर्ट की 20 एकड़ में फैले लखनऊ के ड्रीम वाटर रिजॉर्ट के चर्चे आज पूरे यूपी में हैं, लेकिन इस नाम के पीछे बरसों की कड़ी मेहनत छिपी हुई है। साल 1998 में मनीष वर्मा नाम के एक शख्स ने एक सपना देखा। यह सपना था यूपी में वाटर पार्क बनाने का, और इस सपने को पूरा करने की जिद ने आज मनीष वर्मा को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया है और उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बना दिया उत्तर प्रदेश का एक खास ड्रीम वाटर पार्क, जिसमें जाना और वहां आनंद लेना बहुत से लोगों के ड्रीम्स में शुमार हो गया है। नवाबों का शहर लखनऊ तहजीब और नजाकत के लिए जाना जाता है, लेकिन लखनऊ की नजाकत, नफासत और आदाब की मुस्कुराहट में कुछ हसीन ख्वाब भी हैं। वो ख्वाब जिनमें से कुछ सिर्फ ख्वाब रह गए, कुछ हकीकत की ओर बढ़ गए। संघर्ष की ये कहानी भी असीमित चुनौतियों से भरी है, कहानी जो ख्वाब से शुरू हुई और आज ड्रीम वर्ल्ड नाम की हकीकत में बदल चुकी है। ड्रीम वर्ल्ड, जिसे आज देश ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के नाम से जानता है। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं ड्रीम वर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष वर्मा। पहला जो मेरा फोकस आया कि पहले जमीन होनी चाहिए जिसके ऊपर इस सपने को साकार किया जा सकता है। फिर जैसा कि एक एंटरप्रेन्योर के साथ होता है, सपने तो बहुत होते हैं, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता है और ग्राउंड रियलिटीज भी कुछ नहीं पता होती हैं। तो मुझे ये लगा था कि अगर हम जमीन खरीद लेंगे तो बैंक लोन दे देगा तो उससे हम प्रोजेक्ट खड़ा कर लेंगे। जमीन लेने के बाद मनीष के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था फंड जुटाना, बैंक के उन सवालों का सामना करना जिसके जवाब में ड्रीम वर्ल्ड के अस्तित्व का रास्ता छिपा था। और उस वक्त मेरी उम्र भी 28 साल करीब थी, तो कोई बहुत एज भी नहीं थी जिससे बहुत गंभीरता लगे बैंक वालों को। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है और इतना बड़ा लोन आप लेने के लिए आ रहे हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट डाल रहे हो। बैंक को इस चीज़ को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करिए कि सर इस तरह तो कोई एंटरप्रेन्योर खड़ा ही नहीं हो पाएगा कभी भी। हर एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसाधन जुटाने की होती है। जिस प्रोजेक्ट के सपने को लेकर मनीष वर्मा काफी आगे तक सोच चुके थे, हैरत की बात है कि मनीष के पास संसाधन या तो अधूरे थे या थे ही नहीं। मनीष ने इस पहाड़ जैसी चुनौती को भी पार कर लिया। पहला लोन मेरा 2007 में सैंक्शन हुआ था SBI के द्वारा, तब फिर जो है हमारा काम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। जो मेरा इनिशियल जो मेरा सपना था ड्रीम वर्ल्ड को लेकर के, वो एक वाटर पार्क का था, लेकिन ये जो टाइम स्पेन खिंचा मेरा तो, और इसके बीच में मुझे थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हुए क्योंकि इस बीच में लखनऊ में 2-3 वाटर पार्क और खुल गए। 2003 से लेकर 2008 तक संघर्ष की ये ना खत्म होने वाली भागम भाग चलती रही, क्योंकि बाजार में अब कंपटीशन भी ज्यादा था, इसलिए टिक पाना आसान नहीं था। मनीष सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। ओपन हुआ तो फिर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि लोगों को बड़े बड़े ह्यूज वाटर पार्क देखने का आदत था। यहाँ पर जब उन्होंने एक क्लोज वो देखा एक एरिया, तो उनको लगा कि बहुत छोटा है और बहुत लिमिटेड स्पेस है, तो उसमें उतना मज़ा आएगा नहीं आएगा। तो उसको चलते इसको पिक करने में करीब 2-3 साल लगे। सारी मुश्किलों को हराते हुए, हर चुनौती से आंखों से आंखें मिलाकर मनीष की अगुवाई में
आज ड्रीम वर्ल्ड वाकई सपनों का वर्ल्ड बन चुका है। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट 20 एकड़ में फैला है, 45 कमरे हैं, देश का पहला इंडोर वाटर पार्क इसमें है, क्लब है, बैंकेट हॉल, मैरिज लोन की सुविधा है, एम्यूजमेंट पार्क और एडवेंचर सेक्शन भी है। तो हमने इंडोर बना करके ये तो हैंडल कर लिया था कि गर्मी और बरसात हम जो है कि हम अप्रैल से लेकर के और जुलाई अगस्त तक हम अपना सीजन निकाल सकते हैं इंडोर की वजह से। लेकिन फिर चैलेंज था कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स क्या ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क ना होकर के ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट बना। इसलिए बना क्योंकि जो है जो सीजन था हमारा, सीजन के बाद ऑफ सीजन में हमें एक्टिविटीज चाहिए थी यहाँ पर क्राउड को पुल करने के लिए। तो उसके चलते हमने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करी जो कि जाड़े के दिनों में लोग आकर के एंजॉय कर सके, जिसमें अम्यूजमेंट सेक्शन और एडवेंचर सेक्शन इसमें जोड़ा। ड्रीम वर्ल्ड का दूसरा प्रोजेक्ट भी लखनऊ में चल रहा है, एक प्रोजेक्ट फिनलैंड में चल रहा है। आज ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट को देखकर शायद ही कोई कह पाए कि इतनी चुनौतियां आई थी, लेकिन मनीष के पिता बताते हैं कि ये सब कितना मुश्किल था। ये बहुत लगनशील लड़का था, ये जो चीज सोच लेता था उसको करता जरूर था, जो नहीं समझ में आता वो नहीं करता था। तो एकदम पीछे पड़ गया हम लोग, नहीं हम यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हम लोगों को गिव अप करना पड़ा और इसकी बात को मानना पड़ा। आपको ताजुब होगा कि इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट नहीं अपॉइंट किया गया था, क्योंकि प्रोफेशनल आर्किटेक्ट को पैसा देने के लिए हम लोग पास पैसा नहीं था। तो जो ऑपरेशनल इश्यूज थे वो तो मनीष देखता था, लेकिन जो इंजीनियरिंग है, लेआउट है, कंटूरिंग है, वो सब में मैं पूरी मदद करता था। वो कहते हैं ना, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। मनीष वर्मा ने भी कुछ यही साबित किया है, जीतने का जज्बा हमेशा बनाए रखा, किस्मत के सहारे नहीं कर्मों के सहारे सफलता के शिखर पर पहुंचे। सर्वोकॉन सिस्टम्स कंपनी, शोभित यूनिवर्सिटी और ड्रीम वाटर पार्क, ये सब सफलता की वो कहानियां हैं जो आपके और हमारे लिए प्रेरणा है। अगले हफ्ते आपको दिखाएंगे ऐसी ही कुछ और कहानियां जिन्हें लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न। तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।